हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिजवान शेख और आज मैं अलादीन के एपिसोड 409 पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम से करते हैं। बाजी मारेंगे, हम कूद पड़े हैं जंग में, जीत के ही मानेंगे। कूद पड़े हैं ये तो मेरा ख्याल है उसको सजा देने के बाद का एपिसोड है। जफर को बंद कर दिया उसको, 408 में हुई थी ना सजा उसको। अम्मी को गले मिले बिना ही पहले ही चलो वहां। जी देखा, बहुत जोश आ गया है। चाहे कोई कैसा भी हो, पर मैं वैसी अम्मी नहीं हूं जो अपने बहू और बेटे के बीच में आ जाऊं। जा देखा, जा मुल्ला मुल्ला बीबी जा गई गरीबी। अम्मी, क्या यही बात आपके छोटे बेटे और उसकी खोने वाली बीवी के लिए भी लागू देखा। होगी? इधर भी चीनी मिनी, काम खराब था। तुम क्यों शर्म से लाल गुलाबी हो रही हो? हाँ अम्मी, इसे बता दीजिए कि हम घर की होने वाली बड़ी बहू हैं और बड़ी देखा? बहू की बात छोटी बहू को तो माननी पड़ती है ना? और तुम दोनों को मेरी। चलो जी, आप कह के तो देखिए, सारी गड़बड़ ठीक होने के बाद का सीन है। जाओ जाकर शरबत लेकर आओ। शरबत लो। बड़ा आया शरबत मंगवाने वाला, तुम्हें जो चाहिए खुद जाकर ले आओ। मेरी चले बहुएं जी, तुम दोनों बुद्धों के लिए कुछ नहीं लाएंगे। अब अपना तुम खुद करना पड़ेगा काम। मुझे तो इस लम्हे का ना जाने कब से इंतजार था। मुझे तो सब मंजूर है, सब मंजूर है। इसको क्या हुआ? ये अबू ऐसे ना होते जैसे वो हैं। रुखसार बहन, चलो जी, नाम लिया और हाजिर। शाग मानीशा, क्या काम है? क्या काम? की जलालत के बाद किस तरफ आ गए? ये कांटे क्यों लेके आए हो? कांटे नहीं, फूल है। वो भी मेरी बहन रुखसार के लिए। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है फूलों में? कसम सोने की अशर्फियों की, नाज़नीन का दिल आज बहुत खुश है। मुझे हमेशा से पता था, पहले तो बहुत खिलाफ था। लेकिन ये बात तो आपने पहले कभी नहीं कही। नहीं, वो हम रास्ता दोनों ही मिले हुए थे आपस में। लेकिन मुझे सही रास्ता मालूम था। लेकिन आप सब तो जानते हैं मेरी यहाँ सुनता कौन है, मेरी यहाँ चलते देखा है, पड़ गई हाथी का पैर, पड़ गया उसको। लालच में आकर सब कुछ खो दिया, अपनी बहन, अपना भतीजा, यहाँ तक कि हमारा अपना बच्चा गुल्लू। हमें माफ कर दे, माफ कर दे मेरे बच्चे गुल्लू। यहाँ काम ज्यादा सीरियस हुआ। शुरू में बंदा काम ही ना ऐसे करे कि बाद में पछताना पड़े। बच्चे अपने माँ बाप से चाहे कितना भी नाराज हो जाएं, पर वो उनसे दूर कभी नहीं हो सकते। ये बात सही है। मैं जानती हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू अपने अम्मी अबू को जरूर माफ कर देगा। गलती का पता लग गया है दोनों। बच्चा आखिरकार लेकिन इसके काफी एपिसोड्स आगे पड़े हैं, कोई और मुसीबत भी आ सकती है। मेरे बच्चे, इस हड्डी की दुकान और इस आलू की बोरी को, आलू की बोरी। बच्चे एक मौका दे दे, मुझे मुझे तेरी अम्मी की मोहब्बत का वास्ता। मेरे बच्चे, हमें माफ कर दे। बच्चे, माफ कर दे मेरे बच्चे। ये क्या कह देखा, गुस्सा बहुत था उसको उन दोनों पर। लेकिन अब कोई और चाल चलाएंगे, कुछ तो गड़बड़ इनके दिमाग में चल रही है। ये देख, गड़बड़ चल रही है ना, मैंने पहले बता दिया। आखिरकार बार फिरने वाले दुश्मन के सामने जेल में आ गए। तुम ले ना
बात दुश्मन को खत्म करो, पहले मिनट जितनी बातें बनानी है बना। नहीं मेरी बात सुनिए, कहाँ है बचपन से, मेरी बात सुन ली होती ना अब कोई फायदा नहीं चीखने चिल्लाने का। हमारे हाथ में होता और हम जादूगरनी मल्लिका के सामने अभी भी वही दिमाग के अंदर है। जेल में आके भी वही चीज है दिमाग के, खत्म कर देते हैं। मेरे कड़ों का रंग काला कैसे हो गया? ये काफी अजीब है, बिना वजह काला नहीं होता, कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। वो इसका मतलब चिराग चिराग से बाहर आने के लिए तैयार है। अच्छा कोई और जिन है जो चिराग में था। इसका मतलब हम हारे नहीं है, तुम हारे नहीं। मैंने कहा था ना अभी और गड़बड़ हो सकती है। जादू करनी मल्लिका तक पहुंचने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। शैतान जिन कैद है उसके अंदर, कोई वो आजाद होगा। वो उसके पीछे भाग। चिन्नू तुम्हारे चिराग में से कैसी आवाजें आ रही? अरे आवाजें चिराग से नहीं, मेरे पेट से आ रही हैं, क्योंकि काफी देर हो गई और मैंने कुछ भूख। तुम कितना खाते हो जिनू, तुम भी ना एकदम। जिनू क्या करो, इधर आओ जल्दी। अरे आया आ रहा हूँ। चिराग में से आवाज ऐवी नहीं आ रही, कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो चीज है ऐसी। कल से मुझे लग रहा है कि जिनू के चिराग के अंदर कुछ है, पर क्या है? चोर अम्मी इधर आई। कुछ तो है इसकी तरह। अच्छा जी हमारे पास आप सभी के लिए एक बहुत खास तोहफा है। देखते हैं क्या चीज है। लेकिन काले चोर और अम्मी के लिए ये तोहफा सबसे खास है। वो तोहफा क्या है आप सबको शाम को पता चल जाएगा। ये आपस में ही शुक्रिया मेरी सुल्ताना। वो ही चल रहा है उनके दिमाग में। मैं दरगाह होकर आती हूँ। शैतानी चीज़ है। इंतजार के बाद मेरे घर में खुशियाँ आई, उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लौट कर आकर तुम सबके लिए खाना बनाऊंगी। इसको खाने की पड़ी अम्मी। बड़े सयाने कह गए कि खुदा तो चारों तरफ है, तो वो दर्जा करने की जरूरत, यही भी दुआ कबूल कर लीजिए, मतलब बोल दीजिए कबूल हो जाएगी, और बस उसके बाद फिर मेरे लिए, मेरा मतलब है हम सभी के लिए खाना बना दीजिए जल्दी जल्दी। तू फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगी। इसको खाने की फिक्र। मैं आप सबको एक बात बताना भूल गया। आज शाम को हम जफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाएंगे और उसी कैद खाने में रखेंगे। चलो वहाँ का पहरा हमारे महल के कैद खाने से ज्यादा मजबूत है। उस जैसा खतरनाक मुजरिम बगदाद से जितना दूर है उतना ही बेहतर है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, छूट भी सकता है। सोने की अशर्तियों की मुर्दाबाद कैद खाने में जाने से पहले जफर मियाँ से एक बार मिलना बहुत जरूरी है। देखा शैतान, मुझे वो जादुई पारा किसी भी हालत में चाहिए। जहरुन्निसा, आज तक तुमने नाज़नीन को हमेशा बेगाना समझा, पर देखो आज सिर्फ और सिर्फ नाज़नीन ही तुमसे मिलने आई है। अगर आज मेरे हाथ यूं बेड़ियों में ना बंधे होते तो
आपको माला माल कर देती फिर लालच बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे कहीं की शहजादी हो हाँ हूँ कैसी बातें याद आ रही हैं अपनी रईसी के सबूत के तौर पर ये कड़े ही हैं मेरे पास ये काले कड़े काले काले अरे ये काले सोने से बने हैं और काला सोना कौन सा होता है दुनिया के किसी भी हीरे जवाहरात से बहुत कीमती होता है सच कैसा बेवकूफ बनाया दोबारा नेकी और पूछ दे दो, दे दो। पर उसके लिए आपको मुझे आजाद करना पड़ेगा देखा अपनी शर्त कसम सोने की अशर्फियों की इन्होंने मुझे कैद खाने में आने से रोका पर जश्न पते के छुआरे खाने से खुद को न रोक पाए जिनमें बेहोशी की दवाई मैंने मिलाई थी वाए 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 वाए। इस तरह मैंने उनसे उनके होश भी छीन लिए और कैद खाने की चाबी भी ये गड़बड़ हो रहा था ये खोल देगी देखा आजा आजा इसलिए मुसीबत खड़ी होगी अब कड़े भी नहीं मिलेंगे और इसका भी काम तमाम है नीचे शुक्रा गड़बड़ आखिर आजाद हो गई बेवकूफ बना दी आए और कर आजाद लालच जो है ना लालच बहुत बुरी है लालच नहीं करनी चाहिए इसका बाल डालने से क्या होगा इसको जादू करनी है ताकत लो जी अच्छा उसके भेस में तब्दील हो गई पता लगाने के लिए नाम जहर काम जहर देखा जादुई पारे मैं आ रही हूं एक गलती से दुश्मन आजाद अब देखते हैं क्या क्या तबाही मचाएगी महल में हमें कैसे जफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाना जी नहीं ये मुंह लटका के जिन खड़ा है चिनू मेरे भाई तू ऐसे मुंह फुला कर क्यों खड़ा है तू क्या करूं इतनी जोर की भूख लग रही है और अपनी अभी भी दरगाह से नहीं आई इसको खाने की पड़ी चिनू भूख से है परेशान खाना कब मिलेगा इससे है अनजान जरा देर से ही सही पर खाना परोसने के लिए है तैयार अम्मी जान अम्मी की आवाज सुन के खड़े हो गए मेरे कान कहां है दाल भुजने वाली और गर्मा गर्म नान सब कुछ तैयार है तू चल तो सही चलो जी काले छोर अम्मी तोहफे का वक्त हो गया और चलिए भूख से पागल हुआ था इसको क्या हो रहा है यार इतना डेंजरस कुछ तो अजीब है उसमें अम्मी अपने हाथों से पर्दा हटाइए मैं पर्दे में क्या ऐसा चलो ये खींचा अच्छा
मूर्ति बनाई हुई है। ये मेरा ख्याल है अलादीन का बाप है, उसकी मूर्ति बनाई है। अब्बू? हाँ। अब आ गए जी इमोशनल सीन्स ड्रामे के कुछ। म्यूजिक बड़ा जबरदस्त चूज किया है ऐसे सीन के ऊपर। शुक्रिया बेटा। अम्मी, अलादीन। 3D बाग भी बड़ा जबरदस्त है। खुशकिस्मत है कि इसकी मिट्टी से उमर और काली चोर जैसे बेटे पैदा हुए हैं। और इसे देखकर बगदाद का बच्चा बच्चा हमेशा ये बात याद रखेगा। अभी देखते हैं इस चिराग को क्या हो। ये देखो आ गए, शैतान आ गया। अलादीन के पास इस वक्त चिराग में यही सही मौका है उस तक पहुंचने का। हमें अम्मी को संभालने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। चलो जी, चिराग अगर हाथ गलत हाथों में पड़ गया ना तो वो काम खराब करेगा। तो अपनी प्यारी अम्मी को यहीं छोड़ दिया। अब मैं उस जादुई पारे तक और भी आसानी से पहुंच सकती हूँ। फायदा जहर, काम जहर। फायदा उठाएगी ना। गलत गलत ही होता है। लड़ाई मुश्किल थी, लंबी भी थी, पर आखिर हम जीत गए अलादीन के अब्बू। इतनी जल्दी जीतनी है, काम अभी काफी खराब है। नाम जहर, कैसा नाम है ये क्या कर रही है? कोई मारने आई है? डंडा डंडा मार दिया। ये गलती की ना, क्योंकि वो किसी का भी बाल उसमें डाल के शेक में और उसका जो है ना वो पूरा का पूरा ले लेती है, रूप पूरा आ जाता है उसका, यानी तब्दील हो जाती है उस बंदे के अंदर। ये बोतल गड़बड़ है। अब और काम खराब है। लेकिन उनको तो नहीं ना पता था कि कैसा शैतान है पीछे। ये लो जी, अब असलियत इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगी। ड्रामे में भी ट्विस्ट होना चाहिए। क्या छड़ी, मैं तुमसे जब कुछ पूछूंगा तो तुम्हें बिना बोले जवाब देना। अगर जवाब हाँ हुआ तो एक बार पलके झपकाना, और ना हुआ तो दो बार, ठीक है? ये कैसी टेक्निक है भाई? देखते हैं क्या पूछता है। अब छड़ी, अब्बू का बुत बनवाने का ख्याल तुम्हारा था देखा के सामने,
के बारे में जो कुछ भी कहा वो दिल से कहा। दोनों की राम कथा शुरू हो गई। चलो जी थोड़े से इमोशनल सीन्स। ये सब क्या हो रहा है? देखा आखिर पकड़े गए। अम्मी आपको ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गई थी। ये कैसे हो? अरे चाचा चाची जान मिल गई ना। चाची जान बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलवा दीजिए। ये खाने में कोई गड़बड़ हो सकती है। तुम बेवकूफों को खाना खिलाने नहीं जादुई पारा लेने आई और लेके भी जाओ। तुम लोग खाना खाओ। चीनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसे लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी जल्दी आइएगा। यहाँ बेवकूफ बना दिया गया थोड़ा सा। चिराग अलादीन के पास नहीं था, ज्ञानी उसके कमरे में होगा। हो सकता है मिल जाए अब, और पड़ा वो भी वहीं है। और एक दफा गलत हाथों में चला गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मिल गया आखिर। अब गड़बड़ होने में चिराग मुझे मिल कुछ गया। पल बाकी हैं। चिराग में कुछ ज्यादा गड़बड़ की हुई थी। खोल के देखा जाए क्या चीज है। अंदर क्या चीज थी यार इतनी डेंजरस किस्म की। इसको क्या फायदा होना है? अम्मी ओए अब तो निकाल लिया अब। अच्छा दोस्तों ये था अलादीन का एपिसोड 409। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था। तो अगर आप दोस्तों को पसंद आया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।